सो गाइस, कैसे हैं आप? आज फिर निकली हूँ मैं मार्केट के लिए। अभी जाना है, हमने बैंक के काम है, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं और वो मुझे रिकॉर्ड ऑफिस में सबमिट करने हैं, और कुछ घर के लिए सामान भी लेना है। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है और पैदल ही चल रही हूँ। देखिए, मज़ा आ रहा है चलने में पैदल। तो बस अभी हम मार्केट पहुँचने वाले हैं, फिर आपको बताएंगे हमने क्या क्या लिया और बैंक का। पहुंच गए हैं हम मार्केट, बस थोड़ी देर में बैंक आने वाला है। अभी बैंक का पहले काम करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे। देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, आज तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही है। बस हल्का सा एक वार्म शर्ट और हल्का सा जैकेट डाला हुआ है और अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा वेदर है, ऐसे लग रहा है जैसे महीनों के बाद आज जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो पहुंच गए हैं SBI बैंक, एक दिन की छुट्टी थी, आज खुला है, तो देखते हैं कितना रश अंदर मिलता है। बाहर तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, अंदर जाकर पता चलेगा। रश तो है बट हमें मिलना है मैनेजर से, और मैनेजर बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, फॉर्म दिया है, ये हमने फिल करके मैनेजर को देना। फॉर्म भर लिया है, अब बस मैनेजर के साइन और स्टैंप लगने हैं। बैंक का काम हो गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा, बट ऑडिट चल रही है तो सारे फ्री थे, उन्होंने एक मिनट में साइन कर दिया। अब हम हैं बैंक से बाहर और मार्केट में, अब कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं किराने की शॉप पर, यहाँ से कुछ हम दालें या मसाले जो भी नहीं है वो लेंगे। भैया जी, एक तो गरम मसाले का पैकेट दे दो और एक किलो चने की दाल दे दो। कितने के हैं ये? एक पैकेट ये दे दो, और ये वाला कितने का है? एक पैकेट ये भी दे दो। और एक पैकेट ये भी दे दो। और रस का पैकेट है ना आपके पास, आटे वाले जो रस होते हैं, एक उसका पैकेट दे देना। बनाए सबका हिसाब बनाए। जो जरूरत का सामान था वो हमने ले लिया है। सो गाइस, सामान जो जरूरत का था वो ले लिया है। अब वही है ना, पॉलिथीन से खैदी हो जाता है तो फिर दूसरी जगह दोबारा लेने की कोई हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है मुझे चलना है पैदल। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो शाम को या कल फिर आ जाएंगे, फिर शॉपिंग हो जाएगी, बाहर घूमना हो जाएगा। बस अब हो रही है वापसी, दूध रह गया है तो रास्ते में दूध वाला पड़ेगा, तो वहाँ से बस दूध लेना है और फिर हम जाते हैं वापस घर। बस दूध रह गया है, यहाँ से लेंगे हम दूध और फिर जाएंगे घर। बहुत हो गया आज शॉपिंग। दूध चाहिए भैया? तो आज की शॉपिंग दूध के साथ हो गई है पूरी, सामान अभी कुछ रह गया है, फिर कल आएंगे। इस बहाने घूमना भी होता है और शॉपिंग भी हो जाती है और वॉक भी हो जाती है। सो गाइस, पहुंच गए हैं घर और पता है इतना पसीना आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये जो जैकेट है ये उतार दो, बट उतार नहीं सकती क्योंकि अयोध्या से ही तब से तबीयत इतनी ख़राब थी, अगर ये उतार दिया गर्मी सर्दी होगी और फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो बस अब घर जाकर ही इस जैकेट को उतारेंगे और हल्की फुल्की जरूर पहननी पड़ेगी, बट बाय गॉड बहुत पसीना आ रहा है और इतनी गर्मी लग रही है अंदर से। ये सब है वॉक करने का नतीजा। सो मैंने तो सोच लिया कि जब भी कुछ छोटा मोटा सामान लेने जाऊंगी पैदल ही जाऊंगी, और थोड़ा सा छोड़ आती हूँ, ज़्यादा भारी हो जाता है तो चलो नेक्स्ट डे ले आएंगे,
टाइम भी पास हो जाएगा। सो गाइज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।